What's up guys, क्या हाल है मेरे दोस्तों। मेरा नाम है ज़ैन आसिफ, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट टेक वीडियो। तो गाइज, ये माइनक्राफ्ट टेक वीडियो की हमारी सबसे पहली वीडियो है, इसलिए इसको लाइक ज़रूर करना। आपने गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग की मूवी तो देखी ही होगी, और गॉडज़िला और कॉन्ग को आपने पबजी मोबाइल में भी देखा होगा। क्या आपने गॉडज़िला और कॉन्ग को माइनक्राफ्ट में देखा है? नहीं ना, इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग का मोड अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 MB में, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मोबाइल में हरगिज़ लैग नहीं करेगा। अगर आपका मोबाइल 1 GB या 2 GB रैम का है, उसमें लैग कर सकता है, और आपके मोबाइल में 100% वर्क करेगा। तो चलिए आपको मैं डाउनलोड करना सिखाता हूं, इसलिए और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वरना आपका मोड डाउनलोड नहीं होगा। सबसे पहले आपने, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी हुई है, आपने सिंपली उस लिंक पर चले जाना है, तो आप इस तरह के पेज पर पहुंच जाएंगे। आपने नीचे आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करना है, नीचे नीचे जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गॉडज़िला 2021, यहाँ पे आर्मर्ड गॉडज़िला भी है, और ये कॉन्ग है 2021 का और नया जो है। और आप नीचे जाएंगे तो ये कॉन्ग विद एक्स के साथ है, और काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर है इसमें, जैसे ये मिकेना गॉडज़िला है, और भी काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर, जैसे ये मोटो प्राइम, और भी काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने हैं। लेकिन आपने सिंपली नीचे चले जाना है, और आपको यहाँ पे दो लिंक मिलेगी, डाउनलोड्स के नीचे लिखा हुआ है GVK BE और GVK RE। सबसे पहले आपने GVK BE को क्लिक कर देना है, तो आप इस तरह के पेज पर पहुँच जाएंगे। आपने आखिर में जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, आपने उसे क्लिक कर देना है, तो आप इस वाली पेज पर पहुंच जाएंगे। आपने ब्लू कलर की लिंक को क्लिक कर देना है, जिससे आपकी BE डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपने सिंपली बैक चले जाना है, एक और मर्तबा बैक चले जाना है, तो आपने अब कर देना है GVK RE को डाउनलोड। जैसे ही आप GVK RE को क्लिक करेंगे, तो आप फिर से इस पेज पर पहुंच जाएंगे। आपने सिंपली नीचे जाना है, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू को क्लिक कर देना है दोबारा से, तो फिर आप उस ब्लू वाले मीडिया फायर के लिंक पर दोबारा से पहुंच जाएंगे। आपने फिर उसे क्लिक कर देना है, जिससे आपकी डाउनलोडिंग फिर से स्टार्ट होने लग जाएगी। ये दोनों फाइल मिला के सिर्फ और सिर्फ 20 MB की बनती है। आपने जब ये हो जाए, तो आपने जेड अचीवर पर सिंपली चले जाना है। जेड अचीवर आपको प्ले स्टोर में आसानी के साथ मिल जाएगा, वो भी सिर्फ 13 MB पे। और जो फाइल आपने डाउनलोड की है, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी वहाँ जाकर। मैंने उसे सिंपली डाउनलोडिंग में क्लिक किया है, और सॉरी पेस्ट किया है, जहाँ फिर डाउनलोड किया है डाउनलोड वाले फोल्डर में। तो आप देख सकते हैं दो फाइल्स हैं, आपने सिंपली BE वाले फाइल्स को क्लिक कर देना है, और एक्सट्रैक्ट तीसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट, आपने उसे क्लिक कर देना है, और आपने चले जाना है अपनी डिवाइस मेमोरी में। डिवाइस मेमोरी के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है, तो आपको दिखेगा गेम्स वाला फोल्डर, आपने गेम्स वाले फोल्डर के अंदर चले जाना है। गेम्स वाले फोल्डर में जाके आपने चले जाना है com.mojang पर, फिर आपने यहाँ पे चल जाना है बिहेवियर पैक्स में, शुरू में ही है, यहाँ पे आपने इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। फिर आप चले जाएंगे डाउनलोड वाले फोल्डर पर, जहाँ पे वो फाइल्स हैं, फिर आपने इसे करना है RE को क्लिक कर देना है, फिर तीसरे नंबर पे एक्सट्रैक्ट को दबा देना है, फिर आप डिवाइस मेमोरी में फिर से चले जाएंगे, तो आपने दोबारा से चले जाना है गेम्स वाले फोल्डर में। गेम्स वाले फोल्डर में जाने के बाद com.mojang पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे रिसोर्स पैक्स आपको दिखेंगे, आपने उसे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपने सिंपली माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है। देख सकते हैं माइनक्राफ्ट ओपन हो चुकी है, आपने प्ले के बटन को क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर लेना है। आप पुराना वर्ल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नया वर्ल्ड क्रिएट करें, क्योंकि
आपको ज़्यादा मज़ा चाहिए और आप क्रिएटिव में करिएगा ताकि वो मॉन्स्टर वगैरह आपको कुछ कह ना सकें। अगर आप उनसे लड़ना चाहते हैं तो आप सर्वाइवल में भी लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे इस फोल्डर का नाम दे देते हैं, इस वर्ल्ड का मेरा मतलब, और इसका नाम देते हैं गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग। क्रिएटिव मोड कर लेते हैं ताकि हमने इसे पंगे नहीं लेने। फ्लैट हम कर देते हैं इसे सिंपली, और आपने चल जाना है नीचे रिसोर्स पैक में, मैं माय पैक्स में जाना है, लिखा हुआ है गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग, आपने सिंपली से एक्टिवेट कर देना है। फिर आपने चले जाना है बिहेवियर पैक में, माय पैक्स में गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग को क्लिक करके इसे भी आपने एक्टिवेट कर देना है। फिर आपने अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा इसे क्रिएट होने में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और देख सकते हैं लोडिंग होनी शुरू हो गई है, थोड़ी देर में माइनक्राफ्ट चल जाएगी। देख सकते हैं हम अपने वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं, और आपने वर्ल्ड में पहुंचने के बाद आपने चले जाना है इन्वेंटरी में। इन्वेंटरी में आपने सर्च वाले जो ग्लास सा जो बना हुआ है वहाँ पर चले जाना है, और नीचे नीचे जल जाना है। आपको जहाँ पे अंडे वगैरह मिलेंगे वहाँ पे जाके आपने रुक जाना है। देख सकते हैं एग्स वगैरह आ गए हैं, एग्स के जहाँ पे ख़त्म होते हैं हमने वहाँ चले जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंडे नए आए हैं, तो वही हैं वो मॉन्स्टर जो हमने अभी अभी एक्टिवेट किए हैं गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग के। ये देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं मॉन्स्टर, जैसे कि ये कॉन्ग वाला है एक्स के साथ, ये कॉन्ग ये भी विद एक्स, और ये मोली को, ये आमर्ड गॉडज़िला, और ये वो जो स्पाइडर वगैरह है, और ये कॉन्ग 2021, और ये एप्रेक्स MUT, और ये काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर आ गए हैं। ये वर्बैट हम इनको ले लेते हैं, आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से चलते हैं, आप इसे कैसे मतलब अपने वर्ल्ड में ला सकते हैं। एक और यहाँ से उठा लेते हैं कोई भी अंडा अच्छा सा, आर्मर्ड गॉडज़िला को उठा लेते हैं। रात भी हो गई है, चलो कोई बात नहीं, रात के टाइम हम इसे स्पॉन कर देते हैं। इसे करते हैं अब स्पॉन गॉडज़िला 2021 को। वह नहीं, मेरा ख्याल नहीं हो चुका है, ये रहा। देख सकते हैं हम कितने हैं और वो कितना है, इसके ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ आपको इसकी शक्ल पूरी। वो देख सकते हैं इसके पीछे जैसे असल में मूवी में लाइट वगैरह लगी होती है, वैसे ही असल में। अब इसको करते हैं कॉन्ग को, ये कॉन्ग भी हो गया है स्पॉन। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है कॉन्ग भी, देख सकते हैं। जंप वगैरह अब ये कर रहा है, देख सकते हो कितनी ऊंची जंप करता है। अभी ये दोनों फाइट भी करेंगे हम। वो अब एक्स वाले वो जो कॉन्ग है उसे ज़िंदा करते हैं, वो भी आ चुका है, देख सकते हैं उसके हाथ में एक्स भी है, जो मूवी के आखिर में वो एक्स लेता है, वो एक्स आ गई है। अब ये लड़ाई करेगा उस गॉडज़िला के साथ, आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी है, एक दूसरे को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। कॉन्ग एक्स से मार रहा है और वो अपने हाथों से जो भी है उसके पास, और हम बाकी वगैरह को भी स्पॉन कर देते हैं एक साथ ही इकट्ठे, इसे कर लेते हैं कॉन्ग को। फिर ये डेवल ये वर्बैट को कर देते हैं स्पॉन, ये रेडॉन को, और ये जो स्पाइडर्स है उसे कर देते हैं, और ये आखिर में आर्मर गॉडज़िला हम इसे भी स्पॉन कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं सारे आपस में लड़ाइयाँ करनी शुरू हो गए हैं। एक मास्टर तो मर भी चुका है वर्बैट नाम का, और आप देख सकते हैं ऐसे एक दूसरे को मारना शुरू किया हुआ है उन्होंने। और वो देखो ब्लू का वो जो ऑरेंज कलर का है, सॉरी मैंने ब्लू कहा, वो देख सकते हैं कैसे ऊपर को जा रहा है, इसके देख सकते हो कितने बड़े पंख है, सबसे बड़ा तो ये ही मेरा ख्याल। और देख सकते हैं ये दोनों आपस में बढ़ना शुरू, दो कॉन्ग हैं और एक गॉडज़िला। तो गाइज आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, और हाँ इसको डाउनलोड कर लेना, आपको बहुत मज़ा आएगा और ये आपके मोबाइल में 100% वर्क करेगा। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।